الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمد على نعمه فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما یہ انیسویں آیت تھی جو ابھی آپ نے سنی ہے مجھ سے اور جس کی تلاوت کی عزت میں نے حاصل کی ہے وہی سلسلہ ہے صلح حدیبیہ کا وہی گفتگو ہے بیعت کی وہی تیاری ہے کسی عظیم جنگ کی اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی منہ نہ موڑے جنگ سے اس میں کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں استثناء کی کہ اگر وہ اندھا ہو اگر وہ لنگڑا ہو عامى عرج یا بیمار ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو لڑائی سے دور رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ خدا راضی ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
उन साहिबान ईमान से इज युबायउन का तहत शजरा, जिन्होंने दरख्त के नीचे तुझसे बयात की। और अल्लाह ने अपने रसूल पर और साहिबान ईमान पर सुकून को नाजिल किया और बशारत दी फतह करीब की और कसीर माल गनीमत की। यह 19वीं आयत थी, उसका तर्जमा खत्म हुआ। मैं अपनी गुफ्तगू में मुसलसल हूं, मैं चाहता हूं कि जो मसाइल कल जेर बहस थे उसका सिलसिला जारी रहे। आज 17 रमजान है और जाहिर है कि यह तारीख इसलिए मुहिम है कि आपने अखबारात में भी देखा होगा कि यह रोज रोजे जंगे बद्र करार पाया, 17 रमजान। और चूंकि पहला गजवा है बहुत बड़े पैमाने का, पहली लड़ाई है जिसमें दो बड़ी अहम ताकतें नबर्द आजमा थीं, इसलिए उसका तस्करा कुरान मजीद ने भी किया और नस सरीह के साथ आल इमरान में तस्करा हुआ, लकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह। और ये हकीकत है कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र में और तुम कमजोर थे, और तुम कमजोर थे। मैं एक जुमले से आज की गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूं, और जुमला यह है कि अगर निजाम मशीयत इलाही ये है कि सीरत बशर अग़वाए शैतनत से आजाद होकर मरातिब कमाल पर पहुंचे, और अगर इस गरज व गायत के लिए रसूल के बाद रसूल आ रहा है या रिसालत के बाद सिलसिले हिदायत शुरू होता है, तो हम इस पूरे सिलसिले की तारीख के किसी वाक़े को अलग करके दूसरे वाक़यात से अलाहदा नहीं पढ़ सकते, वरना यह पूरी तारीख समझ में नहीं आएगी। अगर आपने बद्र को डिटैच कर दिया खैबर से, अगर आपने खैबर को गैर मुतअल्लक कर दिया फतह मक्का से, अगर आपने फतह मक्का को हटा लिया फतह हुनैन से, और उसके बाद अगर आपने फतह हुनैन को हटा लिया जमल व सिफीन व नहरवान से, तो आपको यकीन दिलाता हूं कि यह तारीख आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए कि मकसद अतम यह है, जैसा कि अभी अर्ज किया कि सीरत इंसान तकमील पाए और अगवाए शैतानी से बचे, उसके लिए कोशिशें जहां हो रही हैं वहां मुख्तलिफ राहों का बदलना, मुख्तलिफ कैफियतों का पेश होना, कहीं सुलह से कहीं जंग से, कहीं खामोशी से कहीं मुदाहनत से, कहीं तलवार को खींच कर, कहीं सुकूत को काम में लाकर बहर सूरत अपने मकसद को हासिल करना है, तो आप सुकूत को कलाम से, जंग को सुलह से, अमल को खामोशी से अलग नहीं कर सकते। बहुत गौर से सुनिए इसको, ये बहुत ही अहम चीज है। मैंने आपको याद है मैंने बड़ी मुखालिफत की थी एक दिन टेलीविजन के महकमे के उन अफराद की, जिन्होंने हमसे ये ख्वाहिश की थी पटेल पार्क में, नस्टर पार्क में, कि हम रोज़े आशूर ये चाहते हैं कि
आपके किसी मातमी दस्ते को टेलीवाइज करें और उसको शाम में टेलीविजन पर बतलाएं। मैंने मुखालफत की, दोनों ने मुखालफत की वजह पूछी, मैंने जो जवाब दिया उसको मैंने मिंबर पे भी कहा, मैंने कहा उसकी वजह यह है कि अगर आप अरकान हज के सिलसिले में अगर सिर्फ आपने सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने वालों को टेलीवाइज कर लिया कि उछलते जा रहे हैं और शाने हिलाते जा रहे हैं, तो उससे इस्लाम समझ में नहीं आएगा जब तक ये पूरे सिलसिले को आप पेश नजर न रखें। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में इस तरह से सिर्फ मातम को ले लें, यानी जंजीर का मातम हो रहा है, आपने उसको ले लिया टेलीविजन पे, तो उसके आप समझाएंगे क्या? समझाएंगे क्या? यही समझाएंगे ना कि खून निकल रहा है, यही समझाएंगे कि सीने बगैर कुर्तों के हैं, यही समझाएंगे कि जैसे कुछ लोग हैं जो इंतहाई वहशियाना हरकतें कर रहे हैं, मगर कहीं से आगाज भी तो हो ताकि इस अंजाम के साथ मुसलसल होकर बात तो समझ में आए। बिल्कुल इसी तरह तारीख इस्लाम का हर वर्ग जो मासूम से मंसूब हो, जो मासूम से मंसूब हो, अगर आपने उसको अलहदा करने की कोशिश की, यानी डिटैच किया, गैर मुतालक कर दिया कि नहीं हमको क्या कहा, तो उसकी वजह से शदीद तरीन नुकसान होगा आपको इस अमर का कि मसाइल समझ में भी नहीं आएंगे और फिर जिस मकसद तक आपको पहुंचना है अपने सीरत और किरदार की तकमील के लिए, वो मकसद आपको हासिल नहीं होगा। यह गुफ्तगू तो ऐसे मौके पर खत्मी मर्तबत की जिंदगी मुतअल्लिक है पैगाम ईसवी, हिदायत मूसवी, तबलीगात इब्राहिमी, शरीयत नूह, एक सिलसिला आ रहा है और उस सिलसिले में एक मंजिल आई जहां मकाम खातम है। अब उस सिलसिले से जब आगे बढ़ रहे हैं तो अब वहां एक जिंदगी यूं शुरू होती है कि 12 बरस की मक्के की खामोशी, खामोश हर तरह से झेल रहे हैं मुसीबत, खामोश है हर तरह से झेल रहे हैं मुसीबत। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि खत्मी मर्तबत की खामोशी ज्यादा हैरतनाक है अबू तालिब के ईमान से। याद रखने की कोशिश कीजिए कि जो एतराज करते हैं ये खामोशी 12 बरस की, और वो इख्तियारात और वो इख्तियार और चुप, मगर किसी अजीम मकसद के हुसूल के लिए एक मुनज़्ज़म लाए अमल है और उस लाए अमल पर चलते हुए हिजरत, हिजरत के बाद दूसरे साल जंग-ए-बदर और फिर उसी सिलसिले की कड़ियां, जैसा कि मुसलसल आप सुनते आ रहे हैं कि बदर, फिर खंदक, बद्र उहद खंदक, फिर सुलह हुदैबिया, खैबर, फतह मक्का, हुनैन, हुनैन की मंजिल पर हम पहुंचे। और आखिरी जुमला जो मैंने कलर्स किया था वो आपको याद है कि अंसार को तो ये कह के आपने समझा लिया कि तुम ये समझ रहे हो कि मुहाजरीन को
मैंने मक्के वालों को ज्यादा माल गनीमत दिया है तो तुम बिगड़ गए, मगर मैं मक्का नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ मदीने आ रहा हूं। तो जिसको रसूल जैसी दौलत मिले वो माल गनीमत की क्यों फिक्र करे, तो सब उन्हें कदमों पर सर झुका दिया, कहा अल्लाह के रसूल इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, जो कुछ दिया है वो भी ले लीजिए। मगर एक शख्स ने खड़े होकर अदल रसूल पर तोहमत दी और इल्जाम लगाया कि आप यकीनन आदिल नहीं है। कल यह गुफ्तगु थी और आखिरी जुमले थे, तो एक मतलब तलवार खींच, एक तो वो इंतहाई गुस्ताख था, यह हुनैन, वो आपकी आखिरी लड़ाई है खत्मी मर्तबत की जिंदगी की, हुनैन गालिबन आपको मालूम होगा कि हुनैन की अहमियत मुफक्करीन इस्लाम के पास बहुत बहुत है, चुनाचे इस सिलसिला बद्र हुनैन को इकबाल ने एक शेर में कहा है, आपको याद होगा, सिद्क कलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारिकए वजूद में बद्र हुनैन भी है। बद्र से हुनैन तक वो मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो आखिर में इस शख्स ने गुस्ताखी की और कहा कि आपने आदिल से काम नहीं लिया। लोगों ने तलवारें खींची, आपने कहा खबरदार इसको हाथ में लगाना, दऊ इसको छोड़, इसलिए कि अब ये एक मजमे को जमा करेगा जो इसी तरह से अदल इमाम को मुत्तहिम करते जाएंगे, यहां तक कि एक गुरोह इसका बनेगा। अब यह तारीख के अल्फाज है, और इस गुरोह को वो शख्स कत्ल करेगा जो खुदाबंद अली अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। तो बात करिएगा हुनैन से नहरवान तक, हुनैन से नहरवान तक मुसलसल कर दिया अपनी फिक्र को, और इस तरह से यह फिक्र भी मुसलसल हुई कि हुनैन में रसूल के बचाने वाले नौ रह गए और नहरवान में अली से मुकाबला करने वाले नौ रह गए। वो मंजिल थी कि जहां कत्मी मर्तबत ने ऐलान किया कि इस गुरोह को वो कत्ल करेगा जो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है। नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, मगर मोहब्बत इलाही की निस्बत से जिसको खैबर में याद किया था। उसी का तस्करा हुनैन में किया, यहां वो उस जमाने तक मोहलत दो इनको जो अदल इमाम पर ये तोहमत लगाए। तो देखिए एक अजीब मंजिल है, वहां क्या तोहमत क्या थी, नहरवान में तोहमत क्या थी, मैंने एक अजीब गरीब बात, एक अजीब गरीब बात, वहां से आवाज बुलंद हो रही थी के वलिल्लाहु अल-अम्र, अम्र अल्लाह के लिए, अल-अम्र लिल्लाह, अम्र अल्लाह के लिए। अमीन मोमिनीन ने कहा कलमा तो हक इन युराद बिहल बातिल, कलमा हक है, अम्र तो अल्लाह ही के लिए है, मगर इसका मतलब सिवा बातिल के और कुछ नहीं है, इरादा बातिल की तरफ जा रहा है। बहुत अहम मसला है यह नहरवान के सिलसिले में कि अल अम्र लिल्लाह का बेशक अम्र अल्लाह ही के लिए, कलिमा तो हक है, मुराद बेहल बातिल, कलिमा हक है मगर इनकी मुराद बातिल है। फरमाया किस लिए कि अम्र तो अल्लाह ही के लिए है, मगर उस अम्र को एग्जीक्यूट कौन करे, उस अम्र की तामील कौन करवाए,
वो कुव्वत आमिला कहाँ है? या फासिक हो या फाजिर हो या मोमिन हो, आखिर कोई तो हो इमारत पर। या अमीर मोमिनीन की गुफ्तगू था और कहा तुम ये कहते हो अमर अल्लाह के लिए है तो अमर जाहिर कैसे होगा जब तक के कोई उस अमर की जिम्मेदारी ना ले। इतनी सी बात, उस पर लड़ाई हुई तो अमीर मोमिनीन ने तंबीह की कि अब नौ बचेंगे इसमें से, 10,000 के लश्कर में 9 बचेंगे। और जब खत्म की तलवार को रोका तो जा तुम्हें मेरे बाद फिर कोई इस तरह से न कत्ल करे। और वो खुतबा मशहूर खुतबा जिससे मैंने आगाज किया था कि आगाह हो कि यह सिर्फ अली ही के लिए है और अली के सिवा कोई इस बात पर कादिर नहीं है जो ऐसी जुरत करे। लम यकुन लयजतरी अलैहा गैरी, सिवा मेरे किसी को इख्तियार नहीं है जो यह जुरत करे। जाहिर है बड़ी जुरत है, बड़ी जुरत है। कभी फिर तफसील से जब इस पर गुफ्तगू होगी तो मैं अर्ज करूंगा, मगर आज मैं उसी पहली मंजिल पर हूं कि यह तसलसल क्या है। तो आपने कहा हुनैन से नहरवान तक, आप कभी तफसील से तारीख इस्लाम को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें। अच्छा, हुनैन पे नस है कुरान में, जैसा कि मैंने सूरह तौबा की आयत आपको वो पढ़ के सुनाई है कि यौम हुनैन इज अजबतकुम कसरतकुम, जबकि हुनैन में तुमको तुम्हारी कसरत पे नाज हो गया था। जंगे हुनैन भी है कुरान में, तो उस हुनैन में याद दिलाया कि इस फिरके को ये फिरका बनाने वाला है, आज अकेला है, आज अकेला है। रसूल का आखिरी गजवा आज अकेला है, मगर एक दिन ये अपना ग्रोह बना लेगा, मुनज़म होकर आएगा तो इससे वो लड़ेगा जो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है। यानी मुसलसल करके बतलाया कि हमारी कोशिशें मुनज़म भी हैं, मुसलसल भी हैं, मरबूत भी हैं, पै दर पै भी हैं, एक बाद दीगरे भी हैं, हमारे पास फसल नहीं है, फिक्र में फसल नहीं है। यह गुफ्तगू आगे बढ़। अब उसी तरह से जरा सा आप तवज्जो करें, मालूम नहीं क्या बात है मगर ये अहम मसला छिड़ गया है इसलिए कुछ जानने की कोशिश कीजिए। बदर, आज यौम बदर है 17, इस बदर के मुताल्लिक जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, तारीखें जिस तरह से भी उस पर रोशनी डाल रही हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है, मगर ये हकीकत है कि 313 आदमी थे, 1,000 नबर्द आजमा इंसानों से मुकाबला था। वो असलहा से मुसल्लह थे, यहां असलहा की कमी थी, बाद मौर्रखीन के एतबार से तलवार तो एक ही थी, कुछ नैजे थे, कुल 60 ऊंट थे, 3 घोड़े थे। यह असलहे जंग के साथ मदीने वाले बाहर निकले बदर, और उसमें लड़ाई हुई, और उसके बाद बदर में लड़ने वालों की मासूमीन ने इतनी तारीफ की। अब जरा सा तवज्जो, इतनी तारीफ कि हमारे पास बाज़ शोहदा की जियारत में इमाम सादिक ने ये फरमाया कि जब मुस्लिम अपने अकील की जियारत पढ़ो तो ये जुमला कहना, अशहदु अन्नका कद मदईता अला मा मज़ाउ बिल बद्रियून। आपका रास्ता वही था जो बदर वालों का रास्ता, यही जियारत हजरत अबुल फजल अब्बास के
اپنے امام صادق کی طرف سے ہے کہ یوں کہو السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول، اور پھر اس کے ساتھ اشہد انک قد مضیت علی ما مضا به البطریون، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اسی راستے پر چلتے رہے جس راستے پر بدر والے گامزن تھے. دیکھا آپ نے، یعنی بدر کا تصور، بدر کا سلسلہ، دونوں جماعتوں میں نسلن بعد نسلن آیا. ایک طرف ایک جماعت کہہ رہی تھی اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، دوسری طرف جماعت کہہ رہی تھی ہاں ہماری رفتار بدریوں کی رفتار ہے. آپ نے دیکھا تاریخ کے دھارے پر اس طرح سے مسلط ہیں یہ واقعات کہ یہ نقطہ ارتسام ہیں، یہ گرافیکل پوائنٹس ہیں کہ جن کے بغیر خط مستقیم نہیں بنتا. بہرحال اب یہاں تک گفتگو آئی تو آپ کی بصیرت کے لیے اور ایمان میں روشنی کے لیے ظاہر میں کیا اضافہ کر سکتا ہوں، میں ایک اتنا طالب علم ہوں بہت معمولی سا، مگر کوشش بس یہ ہے کہ جو بھی کچھ عرض کروں اس کے لیے اتنا قوی اور اتنا محیط مطالعہ ہو کہ میں سمجھاتے ہوئے یہ محسوس کروں کہ میں نے سبجیکٹ کو گھیر لیا ہے. واقعی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ گفتگو ہے، اور کبھی دعویٰ اس عمر کا کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ صنف علماء سے میرا تعلق ہے، ہمارے علماء کی شان اور ہے، بہت ممتاز بہت ممتاز بہت بلند. بہرحال ایک عجیب بات، یہاں امام صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہی دو حضرت ابو الفضل مسلم کے لیے کہ آپ کی رفتار بدریوں کی رفتار، اور دوسری طرف بدر سے، بدر دوسری ہجری، بدر دوسری ہجری، جمل 36 ہجری، تو بدر کو پہلے جمل سے مسلسل کیا. اب یہ گفتگو بڑی اہم ہے، بدر کو پہلے جمل سے متاثر کیا تاکہ مسلمان تاریخ لکھنے والا پہلے جمل پہ فیصلہ کرے. پہلے جمل پہ فیصلہ کرے. آپ سنیے علی کے ساتھ کون تھے، علی کے ساتھ 80 آدمی وہ تھے جو رسول کے ساتھ جنگ بدر میں موجود تھے، 80 بدری تھے. علی کے ساتھ 250 وہ آدمی تھے جنہوں نے بیعت الرضوان میں اس درخت کے نیچے رسول کے ہاتھ سے بیعت کی. اسی بدری تھے، 250 وہ تھے جو بیعت الرضوان میں تھے، اور اس کے علاوہ 1500 اجلائے صحابہ رسول تھے. یہ 1500، یہ 80، یہ 250 کا لشکر ایک طرف تھا. اور علی آج تک مورخ سے فیصلہ مانگ رہے ہیں کہ بتاؤ حق کس کی طرف ہے. کس طرح سے یہ پہلی لڑائی،
और कितनी नाजुक मंजिल, कितनी नाजुक मंजिल। कौन कहाँ है, कौन किसके मुकाबिल है। देखिए ये अजीब मंजिल है कि जहां आज तक किसी की जबान फकत इसलिए नहीं खुलती कि लश्कर अली को पलट के देखा तो 1500 सहाबा हैं, 250 बयातुर रिजवान वाले हैं, 80 बदरियों हैं, क्या इन सब के खिलाफ कोई फैसला सादिर हो सकता है। तो आपने देखा बदर वालों को जमाल में साथ लेकर, बदर वालों को जमाल में साथ लेकर, जमाल से लेके नहरवान तक अपने क्याम को हकीकत पसंदाना बतलाकर, नहरवान को सुलह हसन से मुसलसल करके, सुलह हसन को करबला से मजबूत करके काफिले को आगे बढ़ा दिया कि अब ले जाओ काफिले को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बदर बड़ी अहम लड़ाई। अच्छा एक बात, आपने जैसा कि अभी मेरे अजीज अहबाब ने मुझे इत्तला दी, मुझे मौका नहीं मिला था देखने का कि मेरी एक तकरीर का ऐलान हुआ है बूतराब मस्जिद में इतवार के दिन। एक तरफ मेरे मुआलिज कतअन नहीं चाहते कि मैं तकरीर करूं, और दूसरी तरफ मैंने भी यह तय किया है, यह तय किया है, और मैंने मनोहर अब्बास साहब को खुद अपनी मुनाजात का यह शेर सुनाया है कि अब मैं क्या जाऊंगा किसी दर पर, जिंदगी कट गई इसी दर पर। अब मैं क्या जाऊंगा किसी दर पर, कट गए से दर पर, अब जो होना हो। इसलिए जो भी दुनिया फैसला करे, जाहिर है कि ये मजलिसें आप जानते हैं कि ये मेरी अपनी मसाई से हैं, मैं आपको जहमत दे रहा हूं, आप मेरे पास तकलीफ कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से माह मुबारक रमजान बसर हो ताकि हम दूसरी मजलिसों में इस तरह से शगफ के साथ और इतने इन्हमाक के साथ न मजालिस में तकरीर कर सकते हैं, न आप मजालिस में इस तरह से सुन सकते हैं, एक अच्छा मौका मिल जाता है। इसलिए यह मजलिसें अहम हैं, मगर यह सुबह की मजलिस बूतराब मस्जिद की मेरे लिए यकीनन तकलीफ दे है, मगर अजीजों का और अहबाब का तकाजा था, मैंने कबूल किया और मैं वहां सुबह 9:30 जाऊंगा और तकरीर करूंगा इतवार को 20 रमजान। और हर साल आपको मालूम है यह तकरीर मेरी 21वीं रमजान को होती थी, मगर मैंने मुनासिब जाना कि यह तारीख इसी तरह से बदल दी जाए। अब आपकी इजाजत से मैं एक बात आपको सुनाऊं, और वो इजाजत यह है कि कुछ आपसे कहूंगा, और यह एक अजीब तरीका है मेरी तकरीर का कि मैं तकरार का आदि नहीं हूं, मगर इस अमर का आदि हूं कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई चीज फिर आगे आने वाली है तो मैं उसको पहले से कह देता हूं कि देखिए आज कह रहा हूं और मैं 20 रमजान को फिर वही कहूंगा जो आज कह रहा हूं। इसलिए एक अमर आपके सामने पेश करता हूं और 20 रमजान को फिर तफसील के साथ उस पर गुफ्तगू करूं। बद्र के सिलसिले में मौलाना शेखुल इस्लाम अशरफ अली थानवी के मुकदमे कुरान में
जो अब बाजार में है, कराची में है, बड़ी तफसील के साथ के लिखा कि बद्र की लड़ाई क्या है, बद्र की लड़ाई क्या है, लड़ने वालों के नाम लिखे, जंग के मैदान में कौन कौन आए थे ये लिखा, कौन किस मकाम पर था ये बतलाया, और बड़ी वजाहत के साथ लिखा कि उधर से शैबा उधबा वलीद आए और इधर से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदतुब्नो हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े। ये मौलाना शफी तारीख इस्लाम नजीबुल्लाह का ये गवाह है। इन्होंने लिखा कि यह जंग है। सीरतुन नबी शिबलिया नोमानी, ये उर्दू किताबों के हवाले दे रहा हूं, इसलिए कि जकीम अरबी किताबें तो बहुत ज्यादा तफसील देती हैं, एक एक हरकत को नकल करती हैं, इसलिए और आप पास वक्त भी नहीं होगा, इसलिए मैंने वो किताबें बतलाई हैं जो बाजार में मौजूद हैं। और यह तारीख इस्लाम नजीबुल्लाह वाली ये गालिबन नफीस अकेडमी की है, बंस रोड, इसकी पहली जिल्द, जंग के बाद। अब जिस चीज को मैं समझाना चाहता था वो ये है कि एक तरफ नस्य कुरान के लकद नसरकुमुल्लाहो बे बद्रिन, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद, बहुत गौर से आगे बढ़ के आयत कि तुम नहीं देख रहे थे कि 3000 फरिश्ते लड़ रहे थे, और अगर तुम ज्यादा तवज्जो करते तो तुम यह भी देखते कि वो 5000 हो गए। अब देखिए गुफ्तगु कहां तक जा रही है। जाहिर है कि इंसान अव्वल तो इस मसले पे हैरान है कि आदमियों से लड़ने के लिए फरिश्ते क्यों आए, आदमियों को फरिश्तों से क्यों लड़ाया जाए। देखिए कहां तक बात जाती है, आदमियों को फरिश्तों से क्यों लड़ाया जाए, जब कुफार ने यह कहा था कि इस नबी के साथ एक फरिश्ते को भेजा जाता तो उस वक्त तो गुफ्तगू कुछ और थी, और यह कहा जा रहा था कि अगर हम फरिश्ते को भेजते तो तुमको मोहलत कब देते, और अब यह कहा जा रहा है कि 3000 फरिश्ते थे, लड़ने वाले 3 थे, 3000 फरिश्तों की ताकत थी। मगर जब वो इजाफा हुआ और कहा कि हम 5 तक बढ़ा गए तो वाकया इतना ही था कि एक मरतबा पहले वार में हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने वलीद को खत्म किया और पलट के देखा तो ये देखा कि हजरत हमजा उलझे हुए हैं उतबा से, और बिलाकर हजरत हमजा ने उतबा को खत्म किया, मगर शैबा ने शदीद जख्मी कर दिया उबैदुल हारिस को, बावजूद इसके कि शैबा भी शदीद जख्मी हो चुका था, मगर ये 3000 की ताकत खत्म हो जाने के बाद ये दोनों शेर एक मरतबा उबैदुल हारिस की मदद के लिए पहुंचे, एक उन्हें उबैदा को खींचा, फिर दोनों ने मिलकर हमला शैबा पे किया और उसको खत्म किया, 3000 की जगह 5000 फरिश्ते हो। देखिए कोई मकाम नहीं है, ये तफसीर बिन राय की कोई मंजिल नहीं है, बहुत अजीब तरह से गुफ्तगू कर रहा हूं, मुझे वापस कर दीजिए इन जुमलों को। कह जी जके नहीं, ठीक है, फरिश्ते आए थे, फरिश्ते आए तो तावील दीजिए, आयत मौजूद है, आयत मौजूद है कि फरिश्ते लड़ रहे थे,
तावील कीजिए। लड़ने वालों में तीन, लड़ने वालों में तीन। और उसके बाद फिर आपने कहा कि औस और मऊज बच्चे थे, उन्होंने हमला किया, अबू जहल को कत्ल किया, मुसलमानों का लश्कर भागा। यह तारीख। अब मैं आप हजरात के इत्तला के लिए, जाहिर है कि मैं सिर्फ इत्तला ही दे सकता हूं, वो ये कि क्या क्या कोशिशें हो रही हैं वो बतलाना चाहता हूं। ये हमारी उर्दू अदब की किताब है और इसका नाम है उर्दू की सातवीं किताब बराए जमात हफ्तों सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हैदराबाद मकतब जामिया कराची। और इसमें ये जंग बदर गज़वाए बदर ये सफा 31 और अब ये इस एक ही पैराग्राफ। इसी जंग में वो वाकया भी पेश आया जिसमें मऊज और मआज दो भाइयों ने अबू जहल को कत्ल किया। इन दोनों भाइयों की बहादुरी का हाल तुम पढ़ चुके हो। अतबा जो इस लड़ाई में काफिरों का सरदार था, आ हजरत के चचा हजरत हमजा के हाथ से मारा गया। अतबा और अबू जहल के मारे जाने से कुरैश के पांव खड़ गए, मुसलमानों को फतह हासिल हुई, उन्होंने काफिरों को गिरफ्तार करना शुरू किया। यह पूरी जंग बदर। मऊज और मआज दो भाइयों ने अबू जहल को कत्ल किया, हमजा ने अतबा को मारा और मुसलमानों को फतह हासिल। यह उर्दू अदब है, दीनियात नहीं है। उर्दू अदब। तो आप अब किस किस किताब पर कहां कहां तक नजरें दौड़ाएंगे कि कैसे कैसे मकामात से और किन किन मकामात से किन किन नामों को हटाया जा रहा है। यगाना चंगेजी अजीब गजल कही, अब उसको गजल ही समझ के सुनिए, तकरीर से बेताल्लुक समझ के सुनिए। अनोखी मारिफत अंधों को हासिल होती जाती है। अनोखी मारिफत अंधों को हासिल होती जाती है, हकीकत थी जो कल तक आज बातिल होती जाती है। अनोखी मारिफत अंधों को हासिल होती जाती है, हकीकत थी जो कल तक आज बातिल होती जाती है। जाहिर है कि दूसरा शेर खालिद गजल का है, मगर मेरे नजदीक मिज़दाक कहीं है, किसी और मंजिल पर है। मेरे दिल में लगाकर आग आंखें सेकने वाले, मेरे दिल में लगाकर आग आंखें सेकने वाले तेरी चश्मे तवज्जो और कातिल हो। मेरे दिल में लगाकर आग आंखें सेकने वाले तेरी चश्मे तवज्जो और कातिल होती जाती है। नाम हटा लिया और ये समझ के हटाया कि उर्दू अदब पर किसी की निगाह नहीं जाएगी, और मुतमईन हो गए कि बच्चों को इसी तरह से पढ़ाएंगे कि बदर ये है। अरे मगर सदका उस बदर के शुजा का ये मजलिसे हैं। Hare 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 Hare
देंगे दिलो दिमाग से कैसे निकाल देंगे। और फिर तारीख, यह सच है कि कुरान ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर यह सच है कि बद्र का नाम आया, यह सच है कि बद्र में मदद का ऐलान हुआ, यह सच है कि फरिश्तों का जिक्र हुआ, मगर यह गिनना भी तो पड़ेगा कि बद्र में शान नुज़ूल के एतबार से लड़ाई कैसे हुई, किस तरह से हुई, किसने जंग। तो आपने देखा बद्र से नाम उर्दू अदब में ग़ज़वा-ए- बद्र का जिक्र करके अली का नाम हटा दिया। इससे पहले मैं इत्तला दे चुका हूं कि खैबर के मुतालिक ये गुफ्तगू आई कि बड़ा हमला हुआ, बड़ी लड़ाई हुई आपस में, और अल्लाह के फजलो करम से फतह हो गई। ये लिखा गया, वाकयात आए अखबारात में भी इसी तरह से लिखा गया, अल्लाह के फजलो करम से फतह हो गई। मगर किस्सा यह है कि खैबर का जिक्र इसी सूरह फतह में कि सुलह हुदैबिया से चलो, कसीर गनीमतें दिलाएंगे, कसीर गनीमतें दिलाएंगे, और खबरदार किसी और को साथ ना लेना, यही रहेंगे सुलह हुदैबिया वाले, यही रहेंगे बायतुर रिजवान वाले, ताकि खैबर में जाके देखें कि किसने मोराल को बाकी रखा, और फिर बद्र में और फिर जमल में गवाही दे। जमल में गवाही दे कि हम अली के साथ खैबर में भी थे, हम अली के साथ बद्र में भी थे, और आपको मालूम है यह गवाही आखिर तक सिफीन तक रही, सिफीन तक रही, अमर यासिर सिफीन में दोनों फौजों के दरमियान खड़े हो गए, अमर यास को पुकार के कह रहे, अमर यास तुझको मालूम है इसी आलम के नीचे रसूल की जिंदगी में इसी के साथ हम तंजील पलड़ते रहे, और इसी आलम के नीचे इसी के साथ अब हम तावील पलड़ रहे हैं। यह तसलसल है। तो बहरहाल मैंने वक्त खत्म किया, मुझे फिर बेअख्तियार अनीस का वो छठा मिसरा याद आया कि जिसके लिए मैंने अनीस का एक बंद कल पढ़ा था, जवान शादाब दिमागों को तो याद हो गया होगा वो बंद, जाहिर है क्यों कर भया हो शौकत शाने पयंबरी, क्यों कर भया हो शौकत शाने पयंबरी, आज भया हो फरजको हसानो हिमयरी, आज भया हो फरजको हसानो हिमयरी, क्यों कर लिखे कुव्वत किसे है ये के लिखे जोरे हैदरी, ताकत किसे है ये कि लिखे जोरे हैदरी, दौड़े कुमैते खामा तो खाए सिकंदरी। ये सिकंदरी की तारीफ नहीं हो सकती है कि कौन लफ्ज सिकंदर को इस्तेमाल किया, और सिकंदरी कह के कैसी उसकी एक कैफियत तस्गीर पैदा कर दी। बहरहाल दौड़े कुमैत खामा तो खाए सिकंदरी। पांचवां छठा मिसरा यह था, कुरान में जिसका वस्फ मुकर्रर खुदा करे, छठा मिसरा है, कुरान में जिसका वस्फ मुकर्रर खुदा करे, किसकी जबान से फिर बशर उसकी सना करे, किसकी जबान से,
ये मैंने छह मिसरे आज फिर पढ़े, और जब मैं किसी चीज को पढ़ता हूँ तकरार के साथ, तो उसके माना ये नहीं है कि मेरे पास वक्त है और मैं मदन इस तरह से गुजार रहा हूँ। नहीं, मैं बतला रहा हूँ आपको कि ये अनीस है, और अव्वलीन व आखरीन में इस मिसरे के लिए किसी शायर को मैंने अपनी इतनी कुव्वत सर्फ करते हुए नहीं देखा। किसकी जरा दफ्तर बशर उसकी सना करे सिवा इब्न अबिल हदीद के। इब्न अबिल हदीद फतह खैबर का कसीदा पेश कर रहे हैं, मैं पूरा कसीदा नहीं पढ़ूंगा या बीस को, और उसमें एक है। देखिए अब दोनों को मिला के देखिए, किसकी जरा दफ्तर बशर उसकी सना करे। इब्न अबिल हदीद 655 हिजरी सन वफात है, 655 हिजरी इब्न अबिल हदीद, शारह नहजुल बलागा, सब अलवियात का लिखने वाला, और पहला कसीदा बहर तवील में है, इमराउल कैस के और हजरत अबू तालिब के कसीदों की नकल में, और उसी मंजिल पे आके बाहिया कसीदा है ये पहला। ये एक शेर सुनिए और मैं आज तक ही खत्म। अराक मदीही फी सिवा का हिजाहू, जब मैं तेरे सिवा किसी की तारीफ करता हूं तो वो हजो हो जाती है। यह अजीब गुफ्तगु है इस बात से कि जहां जो तारीफ का लफ्ज मिलता है उस सांचे में कोई ढलता नहीं है। अरब का मदीब सिवा का हिजाहू, किसी की जो तारीफ मैंने की तो वह जो है वह मदीब सिवा का अन्नऊ तशबीबू, मगर जब कोई तेरी तारीफ शुरू करता हूं तो पूरा कसीदा नहीं होता, फकत चेहरा।